कि नौकरियां नहीं दे सके हिंदुस्तान के नौजवानों को, अब अमेरिका बोल रहा है इनको, अमेरिका क्यों बोल रहा है मिस्टर मोदी, नवंबर से ईरान से आय देना बंद कर दो, बात की जाएगी लश्कर की, हमारे को बोल रहा हूं मैं, बोल रहा हूं मैं हिंदुस्तान को बोलने वाला, यहां से लेना वहां से लेना कौन होगा तू, हिंदुस्तान की सालियत हिंदुस्तान की सावधानी में आकर एक अमेरिका का सदर बोलेगा हिंदुस्तान को कहां से कहां बदलता है, हमारा चांदी बोला वहां से करेगी ये कौन है अपने काम को बोलने वाला, क्या हमारी हमारी कालजा भारत की आजाद नहीं है, क्या अमेरिका के डर से काम चलेंगे, क्या अंग्रेजों ज्यादा नहीं इसलिए हाथ करके मिस्टर मोदी, क्या अमेरिका के हुकुम पर हुकुम चलाएंगे, नहीं करेंगे अमेरिका की बात, जो मुल्क के मफाद में होगा वही करना पड़ेगा, कहां से लाएंगे भाई खरीद के, अमेरिका वाला नहीं लेना, आप दूसरी जगह से खरीदे तो और महंगा, पहले इनके पास कोई से नहीं, पहले इनके पास अब जो आए हम ईरान से खरीद रहे वो रुपये अमेरिका वाला नहीं खरीदना, अरे कहां से खरीदेंगे, नहीं ट्रंप बोल दिए, अरे ट्रंप बोला तो उन्हें गाना नहीं सुनना क्या, मोदी साहब खामोश परेशान, ये हिंदुस्तान की पॉलिसी ये चलेगी, कुरान पर हमको सिखाएगा कहां से खरीदना कहां से नहीं खरीदना, चीन खरीद रहा है, रशिया खरीद रहा है, यूरोप रशिया चीन अमेरिका के खिलाफ हो चुके हैं, हिंदुस्तान को भी अपनी पॉलिसी तय करना पड़ेगा, यकीन हमको आज की जरूरत है, जब आय की जरूरत है तो खरीदने को माशाल्लाह आसमान की जान, डॉलर अब मिस्टर मोदी आपके चाहने वाले बोले थे स्वामी साहब बोले थे इनके मोदी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो डॉलर चाहिए सुनते हो जाए कमल आपको आप क्या बोला आज 70 रुपये हो गया एक ही हो गया नहीं मालूम था थैंक यू एक ही ये बोले 40 रुपये होता कहा 40 82 होगा अभी बोले वहां से नहीं आज क्या है हमारा हमारा मूल को चलाना है 56 का सीना है तो डरना की बात का प्यारे अगर है 56 का सीना तो वो ट्रम्प नथिंग डूइंग हम ऐसा करेंगे दिखाएंगे नहीं मर लो आप डर रहे क्या कहता कि ये ट्रम्प है वो कर लेंगे क्या कर ले बात कर ले गाड़ी से कोई गले मिल रही बात कर रहे गले मिल रहे गाड़ी में बैठ कर गले मिल के बैठ रहे फिर डाला कौन कर रहे ना पड़ रहे आसमान से बहुत लपट रहा इसकी लपट इसकी होता लाला लपटना नहीं सबको मैं अलग था हलो हवा निवास बुजुर्गा क्या बोलते मियाँ लोगों को देख के पहचानना जिसको जैसा है वहां रखना तो शरीर है उसको बोला हाँ भाई लपे तो लपेट लेता हूं मेरा पेट क्या है आप देखो आप ये नहीं करना वो नहीं करना क्या करना बाबा इन कुछ नहीं कर सके ना नौकरी दे सके ना क्या वीडियो छोड़ दिए सर्जिकल स्ट्राइक का मैं उसको अपने कहा ठीक है सर्जिकल स्ट्राइक हुआ भाई अभी से इनकार नहीं कर रहा पहले भी बहुत स्ट्राइक नहीं बात नहीं है बहुत हमारी करती है बात हो रही हमारी को मगर सर्जिकल स्ट्राइक से फायदा क्या 2016 में 88 सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए 2017 में 83 मारे गए 2018-17 जून तक 40 हमारे बहादुर सिपाही मारे गए जिसमें औरंगजेब नामक बिजली गांधी का किडनैप करके वीडियो रिलीज किए और वीडियो रिलीज करके उसकी लाश मिली गोलियों से भरी हुई तो फिर सर्जिकल स्ट्राइक जिस मकसद के तहत किया गया था वो कौन सा नहीं सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी हमारे आम आर्मी के कैंपों पर पाकिस्तान से दहशतगर्द आकर हमला कर रहे हैं कश्मीर की वादी में नौजवान हथियार उठा रहे हैं क्या आपकी पॉलिसी है बताओ कोई पॉलिसी नहीं है आपके पास सिवाय एक ही पॉलिसी है पत्थर पे ले जाओ फिर बोलाओ ये काम हो रहा है मेरे साथ हर महा
انشاء اللہ تعالی مجھے پورا یقین ہے کہ 2019 یا پھر 18 اگر 18 نومبر میں بھی ہوئے تو نو بابر اپن ریڈی ہے کب کرا لو ریڈی ہے اپن پرسوں کرا لو ریڈی ہے اپن پانی بول دو آ جاؤ اپن آ جاؤ کبھی کرا تو کرا ہوا کیونکہ من سے اتحاد اور مسلم کے آلویز ایور ریڈی بیٹھنی ہے ہم لوگ ہم الیکشن کے لیے تیاری نہیں کرتے ہمارے لیے روز کام کرتے سارا ملت نے جو نظام جو مزاج جو طریقہ ہم کو سکھایا کہ دارالسلام پہ بیٹھنا ہفتے میں 6 دن 4 گھنٹے بیٹھنا کوئی بھی دارالسلام کو آ سکتا کوئی بھی آ کے اپنے مسائل کو پیش کر سکتا اگر ہم سے ناراض ہے تو ہم سے لڑکے بھی آتے بات نہیں میرے بھائی کسی سیاسی دفتر میں کوئی جا کر اس طرح سے بے باتی سے نہیں بول سکتا آج مجلس میں وکاس پیدا کیا لوگ آ کر کیوں بولتے ہم کو اس لیے بولتے کہ انہیں اپنائیت